वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल की एक नई सीरीज में जिसका नाम है फटाफट फैक्ट। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट बिल्कुल फटाफट से। तो आज के इस एपिसोड 1 में हम कंपेयर करने वाले दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर जो कि मौजूद है फरारी वर्ल्ड थीम पार्क जो कि अबू धाबी में है। इस रोलर कोस्टर को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन करने में। दुनिया का सबसे छोटा रोलर कोस्टर मौजूद है जर्मनी में, और मजे की बात तो यह है कि इस रोलर कोस्टर में किसी तरह की मिनी ट्रेन या ट्रैक नहीं है जिसमें आप बैठ सकें, बल्कि इस रोलर कोस्टर में सीढ़ियां लगी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको पैदल चल के ही पूरा पार करना होता है, जो कि 69 फीट टॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मौजूद है नॉर्थ कोरिया में, जहां पर 114,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। वही हम बात करें दुनिया के सबसे छोटे स्टेडियम के बारे में, तो वो है रशिया का फिस्ट ओलंपिक स्टेडियम, जिसमें सिर्फ 47,000 लोग ही मैच देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़े साइज का जूता कौन पहनता है? यह वेनेजुएला देश का एक आदमी जिसका नाम है जेसन ओरलैंडो। ये भाई साहब 29 नंबर का जूता पहनते हैं। वहीं एक नॉर्मल इंसान के जूते का साइज 8 से 12 के बीच में होता है। दुनिया का सबसे छोटा जूता इंडिया की मॉडल एक्ट्रेस ज्योति पहनती है। ज्योति दुनिया की सबसे छोटी वुमेन है जिनकी कुल हाइट 2 फीट है, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जूता कितने साइज का होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट घर मौजूद है इंडिया में, जिसका नाम है एंटीलिया, जिसके मालिक इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश अंबानी। एंटीलिया की हाइट 550 फीट है, और दुनिया का सबसे बड़ा घर होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे महंगा घर भी है, जिसकी कॉस्ट 6000 करोड़ से लेकर 12000 करोड़ के बीच में है। दुनिया का सबसे छोटा घर बनाया है फ्रांस के नैनो रोबोटिक रिसर्चर्स ने। इस घर की कंस्ट्रक्शन इतनी छोटी बनाई गई है कि ये एक सुई के छेद के आर पार निकल जाता है। दोस्तों, इस घर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि इस छोटे से घर में 7 खिड़कियां, 1 चिमनी और इसकी छत पे टाइल्स वाली रूफ लगाई गई है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है शंघाई मैगलेव, जो कि एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रैक पर चलती है, जिसकी टॉप स्पीड 431 किलोमीटर पर आवर है। दुनिया की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन स्विट्जरलैंड में है, जिसकी टॉप स्पीड सिर्फ 38 किलोमीटर पर आवर है। चलिए दोस्तों, ट्रेन्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ खाने की। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप उसे उड़ाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं न्यूयॉर्क के एक इटालियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा मिलता है, जिसकी कीमत $2,700 है, यानी कि तकरीबन 2 लाख रुपये। और आपको इसकी एक पीस की कीमत तकरीबन $250 पड़ेगी, यानी कि 18,000 रुपये। इस पिज़्ज़ा का प्राइस इतना महंगा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दुनिया की सबसे महंगे इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपके पास मेरी तरह पैसे नहीं है और आपको भी सस्ता पिज़्ज़ा खाने की आदत है, तो आप जा सकते हैं अलास्का, जहाँ पे अमेरिका का सबसे सस्ता पिज़्ज़ा मिलता है, जिसकी कीमत $7 है, यानी कि तकरीबन 500 रुपये। हाँ, ये इंडिया के मुकाबले फिर भी महंगा है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लाउडेस्ट सिटी के बारे में, जो कि और कहीं नहीं बल्कि अपने इंडिया की मुंबई नगरी है। मुंबई का नॉइस लेवल 100 डेसिबल से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। अगर आपको इसे फील करना है, तो आप अपने साइड में एक चेन सॉ को चला सकते हैं, आपको बिल्कुल सेम फील आएगा। दुनिया की सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस है एक रूम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में मौजूद है। यहाँ पर कोई भी इंसान 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि इस कमरे में इतनी शांति है कि आप अपने दिल की धड़कने भी सुन सकते हैं। दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट प्लेन है बोइंग 747-8 VIP, जिसकी टोटल कॉस्ट $358 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 2,654 करोड़ इंडियन रुपीज़। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन करवाने के बाद इस प्लेन की कीमत हो जाती है $558 मिलियन। वहीं हम दुनिया के सबसे सस्ते प्राइवेट जेट के बारे में बात करें, तो वो है सिरस विजन, जो कि सिर्फ $2 मिलियन का है, यानी कि तकरीबन 148 करोड़ 30 लाख रुपये। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी अपने इंडिया के लखनऊ शहर में मौजूद है, जिसका नाम है मॉन्टेसोरी स्कूल, जहां पे टोटल 40,000 बच्चे हैं और 2,000 टीचर्स। दुनिया के सबसे छोटे स्कूल का टाइटल जाता है इटली के एक छोटे से टाउन एल्बर्ट के एक एलिमेंट्री स्कूल को, जिसमें 2014 में एक सिर्फ 8 साल के बच्चे ने पूरे स्कूल में अकेले एडमिशन लिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आपको और भी इसी तरह के फटाफट फैक्ट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में episode 2 लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, बस वीडियो को लाइक और कर देना। मिलते हैं episode 2 में।